Hello my dear students, how are you all? I hope you all are doing good. That's great. Today we will be doing work in Hindi notebook. Open your Hindi notebook, open new page, write date, that is 26 September 2020, and on the right hand side you will write classwork, and in the first line you will write the heading U की मात्रा की बारह खड़ी लिखिए. आज हम क्या करने वाले हैं, ऊ की मात्रा की बारह खड़ी. ठीक है बच्चों, और ये हेडिंग आप खुद लिखेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं लिखेंगे. पहले हम यहाँ पर व्यंजन लिखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम ऊ की मात्रा लगाकर उनका उच्चारण करेंगे, जैसे कैसे बोलना है वो लिख ओके वो करेंगे. पहले हम व्यंजन लिखेंगे. क कबूतर, ख खरगोश, गा गमला, घ घड़ी, छ चम्मच, छ छतरी, ज जग, झ झंडा, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अणा खाली, ओके, त तरबूज, थ थर्मस, द दवा, ध धनुष, न नल, प पतंग, फ फल, बा बकरी, भा भालू, मा मछली, य यज्ञ, रा रथ, ला लट्टू, व वर्षा, श शलगम, श षटकोण, स सपेरा, ह हल, छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी. ओके चलिए अब हम इसके साथ ऊ की मात्रा लगाकर उनका उच्चारण करेंगे, उसे कैसे बोलना है. ओके, कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टू, ठु, डू, ढू, ढू, तू, थू, दू, धू, नू, भू, भू, मु, यू. रा पे कभी भी ऊ की मात्रा नीचे नहीं आती है, वो हम यहाँ पर लगाते हैं उसके. ओके, और ऐसे लगेगी जैसे मैंने लगाकर दिखाई आपको. इसे फिर हम कैसे बोलेंगे, रू, लू, वु, शु, शु, सु, हु, छु, त्रु, ग्यु. ओके, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया, और आप ऐसे ही ऊ की मात्रा लगा के सभी अक्षरों को बोलेंगे. ठीक है बच्चों, आपका कार्य बहुत ही सुंदर और साफ होना चाहिए. धन्यवाद.